अपडेट इस बीच एक सामने आ रही है ईडी से जुड़ी, जहां ईडी के सामने पेश होंगी संजय राउत की पत्नी। आपको बता दें कल वर्षा को भी जो है ईडी का समन आ गया है। वर्षा राउत के खाते में लेन देन के बाद समन जारी है, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दोनों को आमने सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ। 8 अगस्त तक ईडी हिरासत में रहेंगे संजय राउत। तो ईडी की बड़ी कार्यवाही, जहां लगातार ईडी के शिकंजे में बड़ी विपक्षी पार्टियां, तो एक तरफ कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के संजय राउत की भी मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। पात्राचाल मामले में आपको बता दें 55 लाख का जो ट्रांजैक्शन है, वर्षा संजय राउत की धर्मपत्नी के अकाउंट में जो 55 लाख का ट्रांसफर हुआ था उससे जुड़ी आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं। जहां आपको बता दें कि वर्षा से आज पूछताछ होगी, आमने सामने बिठाकर यह पूछताछ जो है वह हो सकती है। बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं, जहां वर्षा से भी आज पूछताछ होते हुए नजर आएगी। पात्राचौल मामले से जुड़ी ये पूछताछ जो है वह होते हुए नजर आएगी। तो बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं। चलिए